माशाल्लाह से खट्टी मीठी खजूर और इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है, ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की लगेगी। आप कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज बहुत ज़बरदस्त सी स्वीट एंड सॉर इमली और खजूर की चटनी की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं ले रही हूँ इमली जो कि मैंने 250 ग्राम ओवरनाइट के लिए सोख करके रख दी थी, और इसके बाद अच्छे से इसको हाथों की मदद से अच्छे से जैसे बिल्कुल गुठली अलग कर लें और गूदा अलग हो जाए तो पानी में मिक्स हो जाए तो उसे फिर छान लें, ठीक है। तो ये छान के मैंने एक साइड पे रख दी थी पहले से ही। साथ ही अब मैं ऐड करूँगी 1 कप खजूर। तो आप चाहें तो थोड़ी सी, अगर आपकी ड्राई ड्राई खजूरें हों तो ओवरनाइट के लिए इमली के साथ ही भिगो के रख दें। मेरी सॉफ्ट वाली खजूर है तो मैंने ऐसे ही इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया है, अब थोड़ी देर तक हम इसे पकाएंगे। साथ ही अब मैं ऐड करूँगी, हल्का सा बॉयल आने लगा है, 1 ग्लास वाटर, क्योंकि अभी हमारी खजूरें पकेंगी तो इसलिए थोड़ा सा पानी रिड्यूस हो जाता है, तो मैंने पानी इसलिए और ऐड किया है। ये देखिए अच्छे से बॉयल आने लग गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और कवर करके 10 मिनट्स के लिए पका लेंगे। चलिए जी, 10 मिनट्स हो गए हैं, अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे खजूर को और इमली को। चलिए जी, ये देखें अच्छे से खजूर और इमली को मैंने ब्लेंड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर मैंने यहाँ ली है, 1 कप शुगर हम लेंगे, और हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना। अगर आपको ज़्यादा मीठी चाहिए, ज़्यादा खट्टी नहीं चाहिए, तो 1.5 कप जितनी आप इसके अंदर चीनी ऐड करें। अब हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। चलिए जी, हल्का हल्का उबाल आने लगा है। अब हम इसके अंदर और 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि विदाउट डेट्स आपको इमली की चटनी की रेसिपी, तो वो भी मैं लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर वो ट्राई करिएगा। ये वाली भी ट्राई करिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखें जी, अच्छे से बॉयल आने लगा है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून, थोड़े से पानी में शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठली ना बने। आप अपने मतलब के मुताबिक जितनी आपको थिक चाहिए चटनी उतनी आप कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखिए कि जब ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो आप मीडियम ही रखिएगा ताकि ठंडी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो। ये देखें, हमें इतनी थिक करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, ठंडी होने के बाद ये खुद और ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। मसाले वगैरह आप लोग खुद अपने टेस्ट के हिसाब से सेट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा खट्टी खाई जाती है, किसी के यहाँ मीठी, और किसी को मिर्च ज़्यादा पसंद है इसमें, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं जब ठंडी हो जाएगी तो फिर आपको सर्व करके और फिर डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह से हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आऊँगी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।